कह सकता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छा विजन है। देश के अंदर हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और देश के लिए है, और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर जब से माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उत्तराखंड की सर्वांगीण और भौगोलिक आधार पर जो सर्वांगीण विकास हुआ है उसके लिए समस्त उत्तराखंड के और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम इस प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इससे पहले 2017 से पूर्व आपने देखा था कि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे उस समय इस प्रदेश की स्थिति और इस प्रदेश की सरकार के प्रति लोगों का पूरी सद्भावना, पूरी भावना और पूरी जो श्रद्धा होती है वो सब विश्वास उठ गया था। आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की चिंता कर रही है, और ये हमारा उत्तराखंड है जहाँ पर अटल आयुष्मान योजना का लाभ संपूर्ण उत्तराखंड वासियों को मिल रहा है। मैं इस बात को भी कह सकता हूँ कि इससे पूर्व जब 2017 में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मेरे इस उत्तराखंड के अंदर 300 पुलों की जो डिमांड थी उन पुलों के निर्माण में 270 से अधिक पुलों का निर्माण उत्तराखंड के अंदर हुआ है, और मेरे जनपद टिहरी के अंदर जो बरसों से हमारे प्रतापनगर की जनता की डिमांड थी वो डोबरा चांठी पुल का निर्माण हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 88 करोड़ रुपए देकर के इस पुल का निर्माण करवाया, जिसका विधिवत उद्घाटन भी हो गया है। टिहरी जनपद के अंदर ही जानकी सेतु का निर्माण जो बरसों से यमकेश्वर और अपने मुनिकीरेती को जोड़ने वाला पुल बना है वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि देश और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी गरीब जनता से लेकर के आम जनमानस की चिंता कर रही है। ये गड्ढे जो थे ये कांग्रेस के टाइम के गड्ढे हैं और कई प्रकार की अनियमितताएं मैं आपको आप ही के चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर टिहरी जनपद के अंदर जो रोड हैं, रोडों के जाल प्रत्येक आम गांव तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का प्रयास किया है, और जो रोड की पेंटिंग की स्थिति आपने देखी होगी इसमें जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी दो बार की पेंटिंग हो गई है, और तत्काल जैसी सर्दी समाप्त होती है दोबारा रोड की स्थिति बहुत अच्छी हमको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। पानी की बात आपने की थी, मैं इस बात को भी बड़े हर्ष के साथ और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये उत्तराखंड की सरकार ही है जिसने हर घर में नल और हर नल में जल देने की बात की है, और मैं ये कह सकता हूँ कि 2021 के अंतर्गत सभी ग्रामों में, सभी गांव में, सभी घरों में पानी की आपूर्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।